तो ये आपका ये मंदिर की टाइमिंग है, आरती कब होगा, ये भागवत क्लास कब होगा, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बंगाली इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ। और ये आपका सुबह 4:30 बजे की आरती जो हम लोग अटेंड करने वाले हैं, और शाम की 6 बजे की आरती हम लोग अटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ तो जस्ट हम लोग अभी एंटर कर ही रहे हैं मंदिर के अंदर, और अच्छा खासा भीड़ है, निगर है इसलिए उसको लेके भीड़ है अच्छा खासा, और हमेशा लगभग भीड़ होता है यहाँ पे, तो रस अच्छा खासा है। देखते हैं होटल हम लोग को मिलता है कि नहीं अंदर, अगर अंदर नहीं मिलेगा तो मैं बाहर जाके ले लूँगा, जिससे बाहर के लोगों को कहना था कि बाहर कुछ सस्ते मिलते हैं अंदर कुछ महंगे पड़ते हैं, पर देखता हूँ अंदर रहने से ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आराम रहेगा हम लोग को। ठीक है, जैसा होगा वैसा अच्छा बात है। ठीक है, सभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ का वाइब ना बहुत बढ़िया लग रहा है, और यहाँ का जो बिल्डिंग बना है ना बहुत तगड़ा लग रहा है। ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ना, लग रहा है कि जो कुछ बोल रहा है क्या, तो इतने निकल 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 तो यहाँ का जैसे लग रहा है ना, जैसे आप फॉरेन में आ चुके हो, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब शायद होटल है, ये सब शायद होटल्स है, शायद इसमें रूम मिलेगा, बहुत अच्छा यहाँ का बना हुआ। अरे ये लोग कुछ नहीं करने थे, तो शांति वाला जगह। सिटिंग एरिया बना रहा है ना, गुड गुड वन सिटिंग एरियाज। तो अगर आपको यहाँ अंदर आके रूम लेना है तो पहले आपको गादा भवन आना है, GADA गादा भवन। यहाँ पे जो गादा भवन है वहाँ पे आपको रिसेप्शन पे यहाँ से आपको रूम का सारी जानकारी मिलेगी, यहीं से आपको रूम अलॉट होगा। तो चलो भाई, हम लोग गादा भवन में घुस चुके हुए अंदर। अब बोर्ड आपको बाहर साइन मिल जाएगा, किसी से पूछो तो बताओ चल जाएगा गादा भवन की तरह। तो ये रहा यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि रूम कैसे क्या है। तो हम लोग वहीं पता करने आए अभी, तो लेट्स डू इट। जा अभिजीत देख, इस एरिया में आपको यहाँ पे शायद कूपन मिलेगा। ओके मैम, कैन आई जस्ट, तो अभी ये सीन ये है यहाँ पे कि रूम अवेलेबल एक भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई मैम है, उसका नंबर अभिजीत के पास था, तो वो बात करवा रहा है रिसेप्शन से, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप आ रहे हो तो आप पहले से ही रूम बुक कर लो, या आप जल्दी आओ, सुबह में जल्दी आओ तो रूम आपको मिल सकता है। क्या निशान, सुबह आने से हम लोग कितना बज रहे हैं अभी, 1 बजने वाले समथिंग, 1 बज चुका है ना टाइम, टाइम हाँ पूरा करेक्ट 1 ही बज रहा है। और इस टाइम पे आपको रूम लगभग नहीं मिलने चांसेस, क्या नहीं मिलता है, तो आप आओ। तो सबसे पहले यहाँ पे आकर रूम बुक कर लो, जो मैं हम लोग की बेवकूफ़ी थी कि हम लोगों ने रूम बुक नहीं किया। तो अभी अभिजीत किसी चक्कर में है, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लास्टली हमको बाहर जाके लास्ट में लेना पड़ेगा। तो बाहर का जो वाइब्स नहीं मिल पाएगा वैसा, जब आए हैं तो अंदर का वाइब्स अलग है। वी विल ट्राई, देखते हैं क्या होता है। देखो अभिजीत वहाँ पर बात करवा रहा है, 10 रुपये। तो अभी सीन ऐसा है कि रूम नहीं मिला, हाउएवर हम लोग बहुत ट्राई किए, जितना कोशिश करना था कोशिश कर लिया, रूम नहीं मिला। तो अब हम लोग सोचा है कि अब लोग बाहर रूम लेंगे, तो बाहर अगर रूम लेने आते हैं तो टाइम अभी स्पेंड अच्छा खासा होगा। और यहाँ पे भी प्रसाद वितरण जो भी खाने खिलाया था, प्रसाद के तौर पे प्रसाद खिलाया था, उसका कूपन अभी मिल रहा है, अभी खिलाया जा रहा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि पहले खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जाएंगे बाहर रूम लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो अभी उसी लिए कूपन लेने गया हुआ है अभी उस साइड में रिसेप्शन पर, यहीं पे कूपन मिलता है आपको। गादा भवन में आइएगा, यहाँ पे आपको होटल के लिए, आपको प्रसाद के लिए सबका कूपन यहीं पे मिलेगा, प्रसाद का कूपन समथिंग 30 रुपीज़। आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखा तो प्रसाद के लिए लाइन कितना है, एक मिनट देखो आप, लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अंदर तक, नहीं अंदर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अंदर से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ से घूमते हुए इधर आया और यहाँ तक अभी ख़त्म हुआ है। अभी लाइन बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे शूज़ खोल के जाना है, तो शूज़ यहाँ पे जमा होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से शूज़ यहाँ पे जमा करके उसके बाद जो करना है करेंगे। तो हम लोग अंदर एंटर किए, अंदर एंटर करना, आप हाथ धो लीजिए, उसके यहाँ आपका लाइन से लगा हुआ है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया। हरे कृष्ण
बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था किया गया है सबके लिए, बहुत ही बेटर है। तो आप देख सकते हो ना क्या वाइब आ रहा है। अब यहाँ बीच में ये होगा ना, रूम नहीं मिलने से बहुत अजीब फील हो रहा था, ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ करने का अलग फील आ रहा है, सच बात है, बहुत ही बढ़िया फील आ रहा। और अभी अच्छा रहा बहुत बढ़िया, सभी ब्लॉग कर रहे हैं पीछे, अभिजीत निशान सभी ब्लॉग कर रहे हैं, और बहुत वाइब, एक बहुत बढ़िया वाइब यहाँ पे आ रही है, देखते हैं। सो गाइस बहुत सारे कंफ्यूजन जा रहे हैं यहाँ पे, हाँ वो दे रहा, बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे हैं। ये 30 का ही प्रसाद है, लेकिन वो मेन गेट पे है, इस साइड में 70 रुपीज़ का, 80 रुपीज़ भी नहीं, 70 रुपीज़ का है, जितना पहले सब कट कर दो समथिंग। इस हॉल में पूरा कम 500 से वो होगा, 500 नहीं ज़्यादा, उससे बेसी उस साइड भी ले ले, उस साइड भी ले ले। अभी हम प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे आपके लिए पहले से प्लेट ग्लास और नमक रखा हुआ है, नमक नहीं है शायद, हाँ सॉल्ट। और यहाँ 70 के लिए जिसको 30 रुपीज़ का प्रसाद खाना, 30 रुपीज़ में मिलता है, जिसको कैपेबल नहीं है, जिसको 30 रुपीज़ का खाना, वो मेन गेट जो है यहाँ पे एंट्री का मेन गेट है, वहाँ पर उसका कूपन मिलेगा। अगर आप आते हो तो वहाँ पर पता कर लो, मैप एंट्री करते ही मेन गेट पता कर लो, वहीं पर आपको 30 रुपीज़ का कूपन मिलेगा। ओके मिला है पुलाव, और ये है चॉप, चॉप है आलू का, ये बैंगन चॉप है, ये दोनों हम लोग अभी मिले हैं, बैंगन का चॉप है और यहाँ पुलाव है, उसका देखो क्या मिलता है आगे। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी हम लोग वापस से मंदिर में ही हैं। उस समय क्या हुआ कि होटल बहुत मुश्किल से आके लास्ट में मिला, किसी होटल में रूम अवेलेबल नहीं था, लास्ट में थोड़ा दूर पे जाकर होटल हम लोग को मिला, और वहाँ हम लोग जाते थे सो गए, और बैटरी में उस समय कैमरा का डाउन हो ही गया था, फिर चार्ज में लाकर मैं सो गया, निकला डायरेक्ट मंदिर आया, यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं हम लोग रात को आरती देखने आने वाले थे, लेकिन ये क्या नाम है देखो, निशांत ये और अभिजीत सोया इतना सोया रह गया कि लेट हो गया, इसके बाद 7:30 बजे का आरती है, जो हो सके देखेंगे हम लोग, और अभी मंदिर घूमेंगे रात, नाइट का जो विजन है मंदिर, हम लोग उधर उस साइड में नहीं गए थे उस समय, अभी पूरा मंदिर घूमेगा अपन लोग। उसके बाद कल का भी एक प्रोग्राम है, इसलिए हम लोग रात को यहाँ पे स्टे करने का प्रोग्राम किए थे, नहीं तो अगर चाहते तो एक दिन में हम लोग जा सकते वापस घर, बट रात को स्टे करना है, और कल किसी और जगह प्रोग्राम है वो आपको कल मालूम चलेगा। अभी चलो पहले मंदिर घूमता हूँ। गाइस जो मंदिर का लुक लग रहा है ना अभी देखने में बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब लग रहा है, अभी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, देखो यार चुम्बेश्वरी एक नंबर मंदिर के अंदर, शायद कैमरा अलाउ नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे बहुत बस ओए यहाँ पे अच्छा एक नंबर, यहाँ इधर कैमरा अलाउ है, मंदिर के अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर कैमरा नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आप लोग आइए तब देखो, आप लोग मंदिर देखना है तो आप लोग अंदर, बट वहाँ से ना मोबाइल ले लाओ ना कैमरा ले लाओ। और देखो यार आरती कितना बजे से चालू होती है, थ्री क्वार्टर्स लुंगी लुंगी शॉर्ट ये रहा बेचारा कभी कभी अपने हो गया इसका तो हो गया आज का दिन बन गया
बहुत अच्छा सीन है, यहाँ का सीन है बहुत अच्छा सीन है, और यहाँ पे डांस है मोड़ा मोड़ा, ये हो रहा है गीता मिला 2019 इस्कॉन, ये आप देख सकते हो। अभी परफॉर्मेंस होने वाला है, यहाँ परफॉर्मेंस देखिए। तो ये रशियन किचन, और हम लोगों ने रशियन किचन से लिया रशियन टी, मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा लगा इसको ट्राई कर। नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है। मम्मी तेरी अच्छा अच्छा बनाती है, मम्मी को अच्छा बनाती है। चाय कैसा था? मन भरा पूछा इसे अच्छा बोलते अच्छा है टेस्ट। हम लोग कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। गर्म पानी है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मेरे को भी पसंद नहीं है, हम लोग को ऐसा चाय पसंद नहीं है, दूध का चाय बहुत अच्छा। तो रात को हम लोग घाट पे जाएं, ब्लॉग नहीं करूंगा, जाके चार्ज मिला दूं कैमरा, और मैं आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करता हूं। तो टुडे ब्लॉग यहां पे एंड होता है, तो आज के लिए आप लोग जाइए आराम कीजिए, सोइए, कल वापस आइए, कल अगला ब्लॉग पे, कल दूसरे, कल का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, कल का ब्लॉग में भी एक्सपीरियंस पहली बार वो भी है, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो को अगर आपको बहुत इस वीडियो ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आप बेल आइकन जरूर दबाइए। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलता हूँ आपसे, और सपोर्ट करते रहिए, तो ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, बीची शॉट, गुड नाइट, बीची शॉट, जो समझने वाला है समझ जाओ क्या बोला ये, उसका उसके चैनल पे आकर कमेंट करो। अरे समझने बीच डाल दिया, समझने का सीन ही नहीं है, हम डाल देंगे ये देख, माई चबाओ। रात जो भी बोला ना रात तेरा भाई ना करे साथ साथ में इलाज मेरा, तेरे को नहीं पता मेरा इलाज को कलेला, बोले तुम्हें बात को कलेला, तुझे को बताऊ कलेला मेरा दिल मेरी बात।